पुष्कर के बड़ी बस्ती नाला क्षेत्र में स्थित होटल गुलाब पैलेस की दीवार शुक्रवार दोपहर अचानक ढह गई। दीवार का मलबा पड़ोस के मकान में जा गिरा, जिससे मकान में कपड़े धो रही एक महिला पत्थरों के नीचे दबकर जख्मी हो गई। दीवार गिरने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए और घायल महिला अंशी देवी को 108 एम्बुलेंस के जरिए चलन अस्पताल पहुंचाया। घटना की सूचना पाकर तहसीलदार प्रदीप कुमार चौमाल और पुष्कर थाना CI हस्तिमल मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। दूरवासर मुझे सूचना मिली कर गुलाब निवास होटल की दीवार गिरने से एक महिला दब गई। तुरंत में मौके पर आया, 108 को फ़ोन किया। 108 के द्वारा उसको अजमेर रेफर किया गया। अजमेर गई, ये एनसी वाइफ ऑफ देवीलाल यहाँ पे किराए से रह रही थी। मूल रूप से इसका उदयपुर का रहना बताया है। अब क्या आगे क्या कार्रवाई रही? आगे कार्रवाई इलाज के लिए उसको वहाँ भिजवा दिया है। क्लर्क साहब से अभी बात करके सहायता के लिए कार्रवाई करेंगे। की पुरानी दीवार अचानक ढस गई, जिसके नीचे अंशी नामक औरत दब गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे और उसको वहां से निकला के अस्पताल में इलाज भिजाई गई। कोई सहायता वगैरह? सहायता के लिए तहसीलदार साहब आगे मतलब मौके पर आए। जो आगे मैं पुष्कर की ओर जा रहा था तो अचानक इधर धुआं उठा तो मेरी नज़र इधर देखा तो मेरे को पता चला दीवार ढसक गई है और कोई महिला दबी हुई है। तो मैं और वो सन्नी दो तीन लड़के आके उस औरत को निकाला। उसके दोनों टांगे टूट चुकी है और करीबन पुलिस को या हमने जैसे 108 को इतला की, 108 में तो वहाँ कॉल ही नहीं उठाया था। आपको भी हमने इतला की, फिर आपने भी कॉल किया, 108 ने कॉल उठाया ही नहीं था। थाने वाले भी बहुत लेट आए थे। कहते हैं कि चौबे जी गए थे छब्बे जी बनने पर दुब्बे जी बनकर रह गए। कुछ इसी तरह की कहावत जलन अस्पताल में शुक्रवार को देखने को मिली, जब अस्पताल में गेगल थाने के सिपाही को अस्पताल कर्मियों पर अपनी वर्दी का रौब छाड़ना इतना भारी पड़ गया कि जिसके चलते अस्पताल में ना सिर्फ हंगामा हो गया बल्कि अस्पताल कर्मियों ने लिखित में शिकायत देकर सिपाही के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर डाली। गेगल थाने में सिपाही सरदार सिंह ने मुख्यमंत्री मेडिकल रिलीफ फंड से अपने बड़े भाई को लगाए गए पेसमेकर की राशि का क्लेम रिलीज कराने के लिए अस्पताल के संस्थापन एवं लेखा विभाग के कर्मचारियों पर अपनी वर्दी का रूप दिखाते हुए मामले की शिकायत आला अधिकारियों से करने और रिश्वत मांगने का आरोप लगा दिया। बेबुनियाद आरोप से अस्पताल में हंगामा खड़ा हो गया और विभाग के सभी कर्मचारियों ने काम काज ठप करते हुए उस सिपाही को घेर लिया और जमकर खरी खोटी सुनाते हुए वर्दी का आरोप दिखाने पर पुलिस अधीक्षक से शिकायत करने की बात कही। हमारे मुख्यमंत्री सहायता कोर से बड़े भैया का पेश मेकर लगा था, आज एक महीने से चक्कर काटा रहे हैं सर। मुख्यमंत्री सहायता कोर से पैसे आए हुए, एक महीना हो गया लेकिन बार बार चक्कर काटा रहे हैं, आज निकल देंगे। हमने हमारा हक माना मांगने गए जिसमें हमारे ऊपर ये परेशान करने के, आपको पुलिस वैसे बदनाम हो रखी है, आपको और बदनाम करेंगे, ऐसे झूठे आरोप लगा रहे हैं। ये किसी काम से आते रहा इस कर्मचारी को धमकाते रहते हैं। एक हमारे सीनियर अकाउंटेंट जो हमारा सीनियर है वो काम के बहुत भले आदमी है, उन्हें कहते हैं तुम बेइल्जाम और बेबुनियाद इल्जाम लगाते हैं कि या तुमने पैसे खाते हो, तुमने काम नहीं करते हो और रोज रोज आते हैं धमकाते हैं। काम करवाने जाते हैं और जो भी काम कराना चाहते हैं उन्हें अमृत कराना चाहते हैं। ये जैसे आज क्या हुआ था, आज आके इन्होंने कहा तुम काम नहीं कर रहे हो, तुम पैसे खाना चाहते हो, पैसे खाते हो, तुम यू करते हो, जब ये करते हो तो इस तरह से पुलिस में मैं मंत्री का रिश्तेदार हूँ, मैं यू करवा दूंगा बस। फिर अब आप लोगों का क्या रहने वाला है? हमने ये निर्णय लिया कि हम इस बात की शिकायत हमारे उचित कार्य कर रहे हैं बस, और इनके विरुद्ध कार्रवाई उचित कार्रवाई करेंगे। अगर नहीं हुई कार्रवाई तो नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे हम।